हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास टेंथ एनसीईआरटी साइंस में नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ, दैट इज़ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने रूल्स फॉर रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स, मैंने रे डायग्राम के बारे में पढ़ा था कि तीन रे जो रूल्स होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम के लिए कैसे होता है, उसको हमने देखा था। तो ये जो लेक्चर है हमारा, यहाँ पे हम ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट के वेरिएशन में, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होता है अलग अलग पोजीशन में किस तरीके का बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस कैन बी पॉसिबल थ्रू दिस, तो उसके लिए हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो डिफरेंट इमेजेस है वो फॉर्म होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है। जैसे सबसे पहला जो रूल है, यानी जो बोल रहा है कि कंडीशंस क्या है कि वन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो कैसे होगा। तो वन बाई चेक करेंगे कि किस तरह से होगा। जैसे सपोज कर लो कोई रे डायग्राम है, इस तरह से पैरेलल होते हुए आ रहा है, अगर ऊपर से होते हुए कोई डायग्राम आ रहा है, तो ये हमारे पास जो ड्रॉ होगा
हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास टेंथ एनसीईआरटी के नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो इमेज कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म होता है उसका रे डायग्राम बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम क्या होगा जिससे कि उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो छः टाइप ऑफ इमेजेस है इसको हम फॉर्म कैसे करेंगे यही देखेंगे। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें मैं आपको विस्तार से मतलब क्लियरली ये बताऊंगा कि एक इमेज कैसे बनता है कॉन्वेक्स। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि मैं आगे आने वाले समय में जो भी बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उससे बनाऊँगा। तो सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं कि रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स, तो यानी ये किस तरीके का बता रहा है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो इस डायग्राम में क्लियरली ये बताया गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर से रेज जो होता है हमारे पास आ रहा है और इस कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए टकरा रहा है। तो हमने रे डायग्राम में ये देखा कि कोई भी रे लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट जो होता है अगर आता है पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी अगर वो पैरेलल होते हुए आता है तो डेफिनेटली ये जो होता है दूसरे साइड जो होता है फोकस से होते हुए ट्रैवर्स करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो यहाँ आएगा तो इस केस में रे ऑफ डायग्राम में रूल नंबर 1 में ये बताता है कि ये फोकस से होते हुए ट्रैवर्स करेगा। तो ऐसे कोई भी डायग्राम यानी कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा तो वो डेफिनेटली दूसरे एंड से वो फोकस से होते हुए जाएगा। तो इस तरह से आपने समझ में आ गया कि अगर कोई इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यानी उस ऑब्जेक्ट को अगर हम बात करते हैं कि वो कहाँ बनेगा, किस तरफ ड्रॉ होगा, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो जब ये ड्रॉ होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो वो इमेज कैसे होगा। सबसे पहला तो होता है कि उसका जो पोजिशन होगा वो F2 पे होगा। ये भी ध्यान देना है आपको कि कहाँ बनेगा, F1 पे बनेगा कि F2। F1 मतलब जिस डायरेक्शन से आ रहा है यानी उसके दूसरे तरफ, F2 मान रहे हैं तो F2 पे फोकस होगा। दूसरा ये बता रहा है कि ये इसका जो नेचर होगा वो जो इमेज बनेगा वो रियल टाइप ऑफ इमेज बनेगा यानी जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे वो होगा। और दूसरा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है एक्चुअल इमेज और इन्वर्टेड फॉर्म में मतलब उल्टा फॉर्म में होगा वो, ठीक है। तीसरा इसका जो साइज़ होगा, अब देखिए उल्टा भी रियल भी बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो वो ना दिखने के बराबर होगा यानी पॉइंट साइज़ का होगा और हाईली डिमिनाइज। तो इसका मतलब होता है रियल और इन्वर्टेड तो बोल रहे हैं लेकिन वो दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब है बहुत पॉइंट में बिटेगा लेकिन एक्चुअली वो बनेगा कैसे, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म में बनेगा। दूसरा केस अगर हम बात करते हैं कि इमेज कैसे बनेगा, उसके लिए रे डायग्राम्स कैसे होंगे, तो सबसे पहला तो चीज़ देते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 के पीछे है, तो इसका मतलब है वो ना इनफाइनाइट में है और ना ही 2F में है। तो यानी ये जो है हमारा 2F है, इस 2F और इनफाइनाइट मतलब इधर कहीं से आ रहा है रे, तो यहाँ और इसके बीच में एक पॉइंट हमने ले लिया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है AB यहाँ ले लिया, तो यानी 2F से इस डायरेक्शन पे है लेकिन 2F के नज़दीक है। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड 2F। तो इससे हमारा जो रे डायग्राम है वो बनेगा कैसे, तो देखिए पहला रे यहाँ पे बन रहा है 1 और ये दूसरा रे बन रहा है ये 2, तो यानी ये हमारा दो रे डायग्राम है। तो इस ऑब्जेक्ट को यानी अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को ये जैसे रे डायग्राम है यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ से ड्रॉ होते हुए वो यहाँ पर आ रहा। तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि रूल नंबर 1 में ये बताया गया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए कॉन्वेक्स लेंस से अगर टकराता है, हिट करता है, तो वो दूसरे तरफ फोकस से होते हुए चले जाएगा। तो आप देख सकते हो वो फोकस से होते हुए निकल गया। चलिए ये हो गया हमारा दूसरे साइड का फोकस F2। अब दूसरा रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो दूसरा रे डायग्राम डेफिनेटली हमारे पास ये ट्राई करेंगे कि ये होते हुए सेंटर से होते हुए जाएगा। तो ये जब सेंटर से होते हुए जाता है तो हमको पता है कि सीधा सीधा ये ट्रैवर्स करता है यानी विदाउट एनी डेविएशन। तो हमने ये रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट किसी भी कॉन्वेक्स में जो लेंस है उसके सेंटर से होते हुए जाता है यानी उसके सेंटर से होते हुए यहाँ से होते हुए पास हो, तो वो रूल नंबर 3 के हिसाब से वो यहाँ से होते हुए जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो दो रे ऑफ डायग्राम जो हमने रूल नंबर 1, 2, 3 में पढ़ा था उसमें से रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 को फॉलो करते हुए बनाया, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये उल्टा दिख रहा है और साथ में कहाँ पे बन रहा है, ये जो F2 है और F2 है यानी ये जो सेंटर
कर्व का सेंटर और कर्व का फोकस इन दोनों के बीच में बनता है। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। पहला तो होता है इसका जो पोजीशन है वो F2 और 2F2, आप ऐसे मान सकते हो 2F2 नथिंग बट एन सी। आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर में सी का मीनिंग क्या था, तो उस चीज़ को अगर याद होगा तो आप बता सकते हो। तो फोकस और जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है उसके बीच में बनता है। दूसरा बनता है रियल टाइप बनता है और इन्वर्टेड, जैसे आप देख सकते हो उल्टा बन रहा है यहाँ पे, ये उल्टे फॉर्म में यानी इन्वर्टेड बन रहा है लेकिन रियल इमेज है, एक्चुअल इमेज का ही रियल फॉर्म बनेगा और उल्टा बनेगा। तीसरा होता है इसका जो साइज़ होता है, तो इसका जो साइज़ होता है नॉट ऑलमोस्ट डिमिनाइज्ड, यानी वो दिखेगा लेकिन बहुत छोटा साइज में दिखेगा, बहुत छोटे रूप में दिखेगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर नियरर टू द फोकस यानी सेंटर के नियरर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो डिमिनाइज साइज में आपका बनेगा लेकिन रियल और इन्वर्टेड। तो इसका मतलब है कभी भी कोई क्वेश्चन आता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है किस प्लेस में रखा हुआ है। चलिए ये हो गया सेकेंड। नेक्स्ट जो होता है हम लोग देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 यानी आपका ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस पे, यानी सॉरी फोकस नहीं, सेंटर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नॉट द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस नहीं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर यानी जिस कर्वेचर को बेस करके लेंस को बनाया गया है वो चीज़। कर्वेचर का मतलब आपको मैं पहले भी बता दिया कि ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये कर्वेचर है, ये कर्व आपको दिख रहा है ये कर्वेचर। तो ये कर्व अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ड्रॉ करता हूँ, तो इसका जो सेंटर है वहाँ यहाँ पे, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो होता है अगर ये सेंटर पे रखा हुआ है जिसको हम लोग 2F1 बोले, 2F1 इसी बोल क्योंकि फोकस का जो डिस्टेंस है उसका जस्ट डबल होता है ये कर्वेचर, सेंटर जो होता है। तो फोकस मतलब होता है कि सेंटर और ये जो प्लेन पॉइंट है इसके बीच का पॉइंट होता है फोकस। तो यानी अगर मान लो सेंटर पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके लिए फिर दो रे डायग्राम कौन सा होगा हम फॉलो करेंगे। पहला रे डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, ये वाला रे डायग्राम 1 है, यानी रूल नंबर 1 के हिसाब से ये रे डायग्राम चल रहा है। और ये रे डायग्राम रूल नंबर 3 आपको बता रहा है कि रूल नंबर 3 है कि ये बोल रहा है कि अगर वो सेंटर से होते हुए यानी कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से होते हुए जाता है तो बिना डेविएशन के वो निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा एक रे डायग्राम यहाँ हो गया, एक रे डायग्राम यहाँ हो गया। तो इस तरह से अगर हम रे डायग्राम को इस पर्टिकुलर से ज्योमेट्री से होते हुए मतलब ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं स्केल के थ्रू तो डेफिनेटली वो एक जगह जाके मिलता है और वो होता है यहाँ पे, और वो जो होता है दूसरे तरफ का जो सेंटर होता है वहाँ पे वो ड्रॉ होता है। तो इसका मतलब होता है जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था सीधा वही ऑब्जेक्ट दूसरे साइड में उल्टा बनता है यानी इन्वर्टेड बनता है और साथ में रियल इमेज बनता है। एंड एज वेल इसका जो पोजिशन होता है वो दूसरे तरफ सेंटर पे होता है, यानी ये जो सेंटर है दूसरी तरफ यानी दूसरे साइड का सेंटर होता है। तो यानी हमने एक मोटा मोटी जो हमारे पास कंक्लूजन है वो मिल गया है कि इसका जो पोजिशन होता है वो दूसरे तरफ 2F2 पे होता है यानी ये सेंटर पे होता है। दूसरा इसका जो इमेज होता है रियल और इन्वर्टेड और जो साइज होता है सेम साइज। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपसे पूछता है कि अगर कोई आपके पास इमेज दिया हुआ है और इमेज जो होता है सेम साइज़ का इमेज बन रहा है तो डेफिनेटली आपका जो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा जिसके कारण से आपका सेम साइज़ का इमेज बनेगा, तो आप ये बता सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर यानी जो दूसरा जहाँ से होते हुए ऑब्जेक्ट का पोजिशन है वो अगर सेंटर यानी सेंटर ऑफ द जो लेंस का कर्वेचर है उसके सेंटर पर अगर होगा यानी 2F1 पे होगा तो वो 2F2 पे बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ नंबर कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F2 यानी सेंटर और उसके बीच में अगर हो। बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी ये आपका सेंटर हो गया यानी सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये हो गया सेंटर और ये जो पॉइंट है यानी सेंटर लेंस का जो सेंटर होता है उनके बीच का जो भाग होता है यहाँ पे, तो इसके और इसके बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट वेरिएशन करता है वेरी करता है यानी इसी डायरेक्शन पे यानी इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो कैसे बनेगा। तो चलिए रे डायग्राम देखते हैं, रूल नंबर 1 से ये बन रहा है, रूल नंबर 3 से ये बन रहा है। तो इस तरह से रे डायग्राम होते हुए जो रूल नंबर 1 है वो ये फॉलो कर रहा है, रूल नंबर 2 ये फॉलो कर रहा है, सेंटर से होते हुए जा रहा है और ये जाके जहाँ पे मिल रहा है यानी अगर हम इसको स्केल और पेंसिल से अगर ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली एक डायग्राम ड्रॉ होगा जो कि ये बताएगा कि ये 2F के थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बनेगा। तो जब ये 2F के बियॉन्ड जाके बनेगा तो डेफिनेटली इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। तो कंक्लूजन में देखते हैं क्या हो रहा है। कंक्लूजन में यही बोल रहा है कि बियॉन्ड द 2F2 यानी अदर साइड ऑफ द सेंटर वो के बाहर यानी थोड़ा इनफाइनाइट में भी नहीं है, नियरर टू द
2F2 है, बट बियॉन्ड द 2F2 इसको हम लोग बोल रहे हैं, यानी दूसरे तरफ के सेंटर से दूसरे तरफ थोड़ा सा आगे जाके बनेगा। दूसरा नेचर जो होगा इसका रियल और इन्वर्टेड होगा। तीसरा जो होता है थोड़ा बड़े साइज़ का होगा। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको किसी लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है तो उसका मतलब है उस लेंस को उस ऑब्जेक्ट के नियरर ले जाइए तो वो बड़ा दिखने लगेगा। अब पांचवा रूल ये बताता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, तो इसका मतलब है दूसरे तरफ अगर वो फोकस पे होता है, जैसे हम बात करते हैं ये फोकस, ठीक है, हम सेंटर नहीं ड्रॉ किए इसमें क्योंकि सेंटर और का अभी कोई रोल नहीं है, तो यानी ये सेंटर और इसके बीच में आपका अगर फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो रे डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो यह देख सकते हैं रे डायग्राम इस तरह से, और दूसरा जो होता है सेंटर से होते हुए रे डायग्राम जा रहा है। तो इन दो रे डायग्राम को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों रे को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ स्केल और पेंसिल के थ्रू तो ये कभी भी जाके जो होता है अगर हम बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट में कहीं ना कहीं जाके बनेगा, यानी ये पैरेलल नहीं होके आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा आपस में थोड़ा थोड़ा होते हुए ये ऐसा आगे बढ़ेगा, यानी ये इस तरह से बढ़ते हुए कहीं ना कहीं मिलेगा, यानी ये आपका जो डायरेक्शन है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके आपस में मिलेंगे। तो इस तरीके का ऑलमोस्ट ये पैरेलल लाइन के जैसे दिख रहा है, बट ये पैरेलल ना होके थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ते हुए वो चले जाता है, तो ये जो होता है इमेज जाके इन्फाइनिट में बनेगा। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं, एट इन्फिनिटी इसका पोजिशन बनेगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, यानी बनेगा और बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये केस क्या कला रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब जो लेंस का सेंटर है, यानी मैं यहाँ सर्कल कर दे रहा हूँ, देखिए ये और फोकस ये, इसके बीच में अगर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका फैलाव है ये ऑलमोस्ट डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मतलब ये कभी भी आपस में मिलने की संभावना ना के बराबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये देखिए दूसरे तरफ भाग रहा है और ये इसके दूसरे तरफ भाग रहा है, तो ये कभी नहीं बन सकता, यानी इसके जो साइज़ है ये धीरे धीरे जो होता है बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दोनों के बीच में, यानी दोनों लाइन के बीच में, तो डेफिनेटली ये जो दो रे है कभी मिलेगा नहीं। लेकिन साइंस ये कहता है या फिर जो रूल्स ये कहता है थ्योरी कि रे का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली वो ड्रॉ होगा, यानी वो बनेगा, उसका इमेज बनेगा। तो उसका इमेज कैसे बनेगा इस डायरेक्शन पे, तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में तो कभी मिलेगा नहीं दोनों रे, तो डेफिनेटली अब हम आते हैं इसके दूसरे डायरेक्शन पे चलते हैं। तो दूसरे डायरेक्शन मतलब हम इस डायरेक्शन पे हम एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं, ये रियल है बट ये डायरेक्शन रियल नहीं है, तो इसका अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर हम आगे प्रोपोगेट करते हैं तो ये हमारा जो होता है अगर मैं पीछे साइड बनाता हूँ तो ये जाके डेफिनेटली मिलेगा, यानी एक तरफ अगर डाइवर्जेंट होगा यानी एक तरफ अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो दूसरे तरफ जो होता है इनमें एक साइड जो होता है कन्वर्ज होगा, तो कन्वर्ज होने की वजह से यहाँ पे वो जाके ड्रॉ होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये रियल साइड में इमेज ना बन के इमेजिनरी साइड में इमेज बनेगा। तो इस वजह से अगर हम देखेंगे तो इसका जो होता है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एट ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका इमेज बनेगा, यहाँ पे वही बोल रहा है सेम साइड। और दूसरा इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल, तो मैंने बोला रियल साइड में नहीं बन रहा है, वर्चुअल साइड में बन रहा है, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। तो इसका मतलब है बाकी सब केस में आपका इमेज जो रियल बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन इस केस में ये सीधा बनेगा, और साइज जो होगा वो थोड़ा बड़े साइज का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजिशन दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज एन मैग्नीफाइंग लेंस। तो इसका मतलब होता है कि ये वाले जो रूल्स है यानी इस जो आपका कंडीशन है, इस कंडीशन की वजह से ये जो लेंस होता है वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह, यानी अगर हम इस तरह से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो वो बहुत बड़ा बन जाता है और हम माइनर से माइनर डिटेल को हम देख सकते हैं इसके माध्यम से। तो इस तरह से ये हमारा सिक्स्थ कंडीशन हो गया। तो आपको अगर स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैंने 6 कंडीशंस को, जिसमें कि इमेज कैसे बनते हैं, जिसमें एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी सब कंडीशन में आपका रियल इमेज बनता है। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है तो एक इम्पॉर्टेंट जो 6 पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट पोजिशन है जिसमें आपका जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। तो आप बोल सकते हैं द पोजिशन इज बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये बोल सकते हैं, तो जिससे कि आपका आंसर जो होता है आपको मिल जाएगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो वंस अगेन स्टूडियो, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।